बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने कुकिंग चैनल में खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपकी खिदमत में बीफ टिक्का बनाने की रेसिपी लेकर हाजिर हुए हैं, मगर उससे पहले आपने क्या करना है, हमेशा की तरह मेरी वीडियोस को लाइक करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है, और जिन्होंने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज 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 हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि आप मेरी वीडियोस को सबसे पहले देख सकें। तो चलिए देखते हैं कि आज की रेसिपी को किस तरह बनाएंगे। आज की रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स कुछ यूं हैं। मैंने 2 किलो बीफ लिया है और इसकी इस तरह से गोल बूटी कर ली है, जिस तरह हमें टिक्कों में चाहिए होती है। ये देखें, बिल्कुल साफ सुथरी है, कोई इस पर चिकनाहट नहीं है और ये गोल बूटी है बिल्कुल बगैर हड्डी के। तो मैंने 2 किलो जो है वो बोनलेस बीफ ले लिया और टिक्का बोटी बना लिया इसकी। इसके साथ हमने 1 प्याली जो है वो दही की ली है, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चम्मच, गरम मसाला पाउडर 1 खाने का चम्मच, नमक 1/2 चम्मच, आप हसबे ज़रूरत इस्तेमाल कीजिए, चाट मसाला 1 खाने का चम्मच, पीसा हुआ सूखा धनिया 2 खाने के चम्मच, सुर्ख मिर्च पाउडर 2 खाने के चम्मच, कचरी पाउडर 1/2 खाने का चम्मच। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है आज की रेसिपी के लिए, क्योंकि कचरी मसाला जो होता है ये गोश्त को गलाने में मदद देता है, तो इसके लिए हम 1/2 या 1 चम्मच जो है हम कचरी पाउडर इस्तेमाल करेंगे। इसके साथ मैंने 1 चम्मच सफेद मिर्च पाउडर लिया है, आप काली मिर्च पाउडर भी ले सकते हैं, और हमने हल्दी लिया है 1/2 टेबल स्पून। तो चलिए अब इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने हरी मिर्चों का इस्तेमाल नहीं किया, ये ऑप्शनल है, आप हरी मिर्चें अगर चाहें तो उसको कूटकर इसमें शामिल कर सकते हैं। तो चलिए अब इन तमाम चीजों को जो है वो अच्छे से मिक्स करते हैं। गोश्त को जो है वो मैंने इस तरह से अलग एक बर्तन में डाल लिया, ताकि हमें मसाला लगाने में आसानी हो, और ये बड़ा बोल जो है वो मैंने खाली कर लिया है। तो अब मैं क्या करूंगी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सारे मसाले डालूंगी, दही, नमक, सुर्ख मिर्च, हल्दी, चाट मसाला, सूखा धनिया, सफेद मिर्च पाउडर, कचरी पाउडर, गरम मसाला पाउडर और अदरक लहसुन का पेस्ट। आप इन सारी चीजों को अच्छे से करेंगे मिक्स। मैं हाथ की मदद से कर रही हूँ, आप कोई चम्मच भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये मैंने दही में तमाम मसालों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, 2 चम्मच के करीब कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। ये मैं पहले आपको बताना भूल गई थी, अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। तो 2 टेबलस्पून हम कुकिंग ऑयल इसमें शामिल कर देंगे, बस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसमें गोश्त जो है वो हम थोड़ा थोड़ा करके शामिल करते जाएंगे और साथ में इनको मिक्स करते जाएंगे। ये देखें व्यूअर्स, हमने इसको अच्छे से मसाला लगा लिया है। मसाला लगाने के बाद अब मैं इसको मिनिमम 8 घंटे के लिए जो है वो फ्रीजर में रख दूंगी, ताकि जितना भी मसाला है वो इस पर अच्छे से मिक्स हो जाए। अब चूंकि हमने इसको मसाला लगा लिया, तो मसाला लगाने तक हमारा स्टेप 1 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब स्टेप 2 में हम इसको बारबेक्यू करें। अच्छा रिजल्ट चाहिए, बेहतरीन टेस्ट चाहिए, तो मिनिमम आपने 6 से 8 घंटे इसको रखना है, वरना तो आप इसको जब मर्जी बना सकते। ये देखें व्यूअर्स, अब हमने इसके जो कोयले हैं वो जला लिए हैं। अब सीखों में हम इसकी बोटियां जो हैं वो लगाएंगे एक एक करके, जैसा कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। ये देखें व्यूअर्स, इसके लिए आपने इस तरह की सीख लेनी है जो मोटी होगी और चपटी होगी, और अब हम इस सीख पर बोटियों को लगाएंगे। बोटियों की जो तादाद है वो आप अपनी मर्जी से कम ज्यादा कर सकते हैं, वैसे जो बाजार का स्टैंडर्ड साइज है वो 4 होती है। इस तरह से आपने इनके ऊपर रखते जाना है। ये आंच जो है ना बीफ के टिक्के के लिए, आंच हमेशा आपने ज्यादा तेज नहीं रखनी, क्योंकि इसने टाइम लेना है पकने के लिए। तो कचरी हमने इसके अंदर डाली हुई है, वो इसने वो पकाएगी इसे, लेकिन फिर भी ये काम आंच के ऊपर पकता है, हल्की लाइट सी आंच हो, ताकि ये गल जाए अच्छे तरीके से, वरना ये ऊपर से पक जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा। ये देखें जी, इस तरह हम लगाई जाएंगे।
अब मैं सारी लगाता हूँ फिर आपको दिखाते हैं। साथ साथ हम इनकी साइड जो है वो जरूर चेंज करेंगे थोड़ी थोड़ी देर बाद, ताकि ये प्रॉपर और इक्वली सब जगहों से पक जाए। ये देखें व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि कुछ जो हमारी सीख हैं वो बिल्कुल पक कर तैयार हो चुकी हैं और इनके ऊपर बहुत ही खूबसूरत कलर आया। अब सेम इसी तरीके से हम अपनी सारी सीखों को पकाएंगे और वक्फे वक्फे से इनको घुमाते जाएंगे। ये देखें व्यूअर्स, आपने इस तरह से इसको थोड़ी थोड़ी देर के बाद चेंज करना है जैसे कि हम कर रहे हैं। अब हम इसको थोड़ा थोड़ा ऑयलिंग करेंगे। अच्छा जी, जो बिल्कुल नियर टू कुक हो ना, बस ये पकने फुल पक चुके थे, तो अब मैं इसको हल्का हल्का ऑयल लगा रही हूँ। वैसे हमने इसके अंदर 2 टेबलस्पून ऐड किए थे, अगर आप डालना चाहें तो ठीक है, नहीं भी लगाना चाहें तब भी आपकी अपनी मर्जी है। जो डाइट करते हैं वो ना लगाएं और जो डाइट नहीं करते मेरे जैसे वो इसको इस तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। और अब मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताने लगी हूँ, वो ये है कि आपने इसको बहुत ही लो फ्लेम पर बिल्कुल हल्की हल्की आंच पर पकाना है, क्योंकि ये बीफ के हैं और जो बीफ है वो पकने में थोड़ा टाइम लेता है। वैसे हमने इसके अंदर कचरी पाउडर ऐड किया हुआ है, लेकिन स्टिल जो हम इसको हल्की आंच पर पकाएंगे ताकि ये ना ये जले और जो बोटी है इसकी वो मुकम्मल तौर पर जो है वो पके, तभी आप इसको एंजॉय करेंगे और आप देखेंगे कि बहुत ही ये जूसी बनेंगे। ये देखें व्यूअर्स, ये पककर बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब हम इसको एक एक करके सीख से उतार कर अब हम इसको उतार लेंगे और फिर हम आपको टेस्ट करके बताते हैं कि इसका जायका किस तरीके का है। ये पक गया जी, अब आपने इसे इस तरह पकड़ना है। ये आपने ये चीज पकड़ ली, इसके अंदर इस तरह उतार दीजिए। ये उतर गए, ये पक गए, इस तरह उतार दीजिए। अब इसको मैं पानी में भिगोऊंगा ताकि ये ठंडी हो जाए और फिर अगले दोबारा मीट जो इसके ऊपर है वो लगाना शुरू कर देंगे। अब मैं इसे आपको तोड़ कर दिखाता हूँ, ये देखें ये गली हुई है सारी। और अब मैं इसे खा कर भी आपको टेस्ट करके भी दिखाता हूँ। बहुत ज़बरदस्त बना जी, नमक मिर्च इसका बिल्कुल परफेक्ट है। बस आप इसी तरह ट्राई कीजिए। और मज़े की बात यह है कि जो बीफ के टिक्के हैं वो चिकन से बहुत ज़्यादा अच्छे बनते हैं, तो ये घर पे आप ट्राई करके देखिएगा, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। ये देखें जी, ये टूट के ये देखें बिल्कुल नरम है और फुल जूसी हैं जी। ये गर्म बहुत है इसलिए ये देखें आराम से टूट रहे हैं, बहुत ज़्यादा गर्म है ये। तो चलें आज की वीडियो यहीं पर वाइंड अप करते हैं, इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक इजाज़त दें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।